शिट, चला गया यार वो तो। यार इतनी दर्दनाक मौत इसको किसने मारा है? लगता है जो आदमी भागा है उसी ने मारा है। हेलो तारिका जी, ये है इंस्पेक्टर अभिजीत। 1964 में किसी आदमी को कुत्तों ने खा लिया था, उन कुत्तों की अर्जेंट फोटो भेजनी होगी। सर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस आदमी ने तानसेन में बिना जर्दा मिलाए खाया है, तभी इसकी किडनी खराब है। अरे दया, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? इसने जर्दे के साथ ही तानसेन खाई है। एहे, रहा नहीं जाता। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं सर? अरे दया, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो ऐसा ही हुआ होगा। हाँ दया, ऐसी इसकी किडनी खराब नहीं हो सकती, कुछ तो गड़बड़ है दया। सर वैसे पुराने केसों पे चर्चा कर रहे हैं, कोई नया केस नहीं आ रहा है सर। हाँ दया, कुछ तो गड़बड़ है, आजकल लोग मर्डर क्यों नहीं कर रहे किसी का? सर आजकल केस नहीं आ रहे सर, लगता है अपने आदमी छोड़ने पड़ेंगे। क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा। हाँ दया, कुछ तो गड़बड़ है, हमारे आदमी छोड़ने पड़ेंगे, ऐसे तो केस आएंगे नहीं, सीआईडी छोड़नी पड़ेगी फिर तो। सीआईडी को फोन लगाता हूँ। लीजिए सर आपका फोन। हेलो सर, मैं धनिया सेठ बोल रहा हूँ काजीवाड़ा से, यहाँ पर खून हुआ है। क्या खून हो गया? खून हो गया है। अरे किसका खून हो गया? पता नहीं सर, पर यहाँ पर खून हो गया है और बहुत ही बेरहमी से मारा है। ओ खून हो गया नहीं। ठीक है, हम अभी आते हैं। दया गाड़ी निकालो। बैठी तेरा बाप छोड़ी गए। अरे हमारे पास इतना टाइम नहीं है दया, लास्ट तड़प रही है, भाग के जाना होगा, चलो। कहाँ है लाश दुनिया से? कहाँ है लाश? जल्दी बताओ। आइए जल्दी बताओ। आइए सर, लाश वहाँ पड़ी है। ये रही सर। ओ माय गॉड, हम यहाँ सब्जी बेचने वाले हैं, तुमने हमें सीआईडी वाला समझ रखा है क्या? सर आपने डायलॉग गलत बोल दिया, हम सीआईडी वाले हैं, सब्जी बेचने वाले नहीं है। दोबारा फोन किया ना, एनकाउंटर कर दूंगा सीधा। अच्छा दया, सर आज 64वां दिन है, 64 दिन हो चुके हैं, कोई केस नहीं आ रहा है, जैसा भी केस है सर हैंडल करेंगे। चलिए सर। अरे क्या चलिए दया, क्या तुम्हें सर? पता भी वहाँ क्या है? लाश वास नहीं है, चूहा मरा पड़ा है वहाँ पे, सीआईडी को मजाक बना रखा है। अरे दया क्या हुआ यार, कोई केस नहीं आ रहा, लगता है पतंग लूटने के लिए जाना पड़ेगा मुझे तो। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। सर आप तो नहीं रहे। हेलो हेलो सर, आप सीआईडी से बोल रहे हैं? हाँ मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। तो सर जल्दी आइए। क्या हुआ? यहाँ पर खून हुआ है। किसका हो गया? मेरी दादी का। क्या दादी मर गई? दादी मर गई? ओह नो, इसका मतलब मेरी इकलौती सेटिंग। बहुत बढ़िया मुन्ना। अभिजीत ये बुड्ढा क्या बकवास कर रहा है? हो सकता है दया तेरी दादी का इसके साथ चक्कर लगा हो। बुड्ढे सच सच बता, क्या तेरा चक्कर मेरी दादी के साथ चलता था? दया थोड़ा थोड़ा चलता था। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। अब तो तू गया बुड्ढे। अबे पागल हो गया क्या? ये मत भूलना कि तुम सीआईडी में तेरी दादी की वजह से हो। कुछ भी हो, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे मर गया आज तो, ये दया क्यों छोड़ेगा? अबे ये फोन किसने किया था? अभी पूछता हूँ साले। हेलो, अबे साले कौन है तू? तूने मेरा सारा भांडा फोड़ दिया, तेरा तो मैं सीधा एनकाउंटर करूंगा।
हेलो सर, पहले मेरी बात तो सुन लो। मेरी दादी मर गई है, आप तो आपस में ही लड़ने लगे। अबे भूतनी के, पहले बताता ना। ठीक है, फोन रखता हूँ। साला केस तो आया कई दिनों से, लेकिन मेरा भांडा फोड़ते हुए है। अबे दया, एक केस आया है, चलो किसी की दादी का खून हो गया है। अबे गुड्डे, आज तो तू बच गया, केस आ गया, वरना मैं तेरा भरता बना देता। सर मैंने फोन किया था। वो सब छोड़ो, लाश कहाँ है? आओ सर, यहाँ लाश है। सर आप इतने घबराए हुए क्यों? क्या हुआ यहाँ पर? किसी बूढ़ी औरत को आज सुबह जहर की 3 गोलियां खिलाकर फांसी पर लटका दिया गया, और कल शाम को उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। फिर अभी हमने 10 मिनट पहले उसकी लाश को सालों के पास भेज दिया। अबे लाश हमने अभी तक देखी नहीं, और तूने सालों के पास भेज दी। अभिजीत आक्रमण। ब्रेकिंग न्यूज, जिस बुढ़िया को किसी ने मारा था उसका हमने इनकाउंटर कर दिया है।